बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम इस हिस्टोरिक दिन का आगाज़ कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट हाउस का सर पहला एक सेशन होने जा रहा है, जो कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CEO टुडे TV के नाम से है, कि जितने भी हम पाकिस्तान में भी CEOs के और कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एंटरप्रेन्योर्स पे रिसर्च किया है, अब हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ताकि ये जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये पूरे पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ नैरेटिव चेंज करेंगी बल्कि ग्लोबल लेवल पर हमारा इमेज चेंज करेंगी। तो इस ग्लोबल लेवल के ऊपर हमने पाकिस्तान को शोकेस करना है, पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज़ को। अभी तक जो हमारा जो दो पाकिस्तान है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक मेरा ये हर टॉक के पीछे अपना कॉन्सेप्ट है, दो पाकिस्तान है, एक सुबह का पाकिस्तान है और एक शाम का पाकिस्तान है। सुबह का पाकिस्तान जो है, सुबह 7 बजे हम सारे लोग उठते हैं और उसके बाद शाम 7 बजे तक काम करते हैं, वी बिल्ड दिस कंट्री। और एक दूसरा पाकिस्तान है जो शाम 7 बजे 30-40 जो जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स हैं मीडिया वाले, उनके एंकर्स, उनके शो कार्ड जो क्लाउंस हैं वो आ जाते हैं और शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इस पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और वो पाकिस्तान के उस फेज़ को जो मॉर्निंग में हमने बनाया होता है उसको डीफेस करते हैं। तो एक तरह की एक इनिशिएटिव है, एक मोमेंट है जो कि पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग के लिए, पाकिस्तान के रियल सक्सेस स्टोरीज़ के लिए, पाकिस्तानी बिजनेस लीडरशिप के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए, पाकिस्तानी वीमेन के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है जो कि हम दुनिया के लोगों को सीखने की बजाय हम अपने लोगों से सीखें। मैं पिछले 15-20 साल मैंने IBA में, पंजाब यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, ये जो आज प्रोग्राम रिकॉर्ड होने जा रहा है उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट है उसका। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम जब भी पढ़ते थे, हमें टीचर MBA प्रोग्राम्स में पढ़ाते थे, ये बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी है, ये स्टीव जॉब की सक्सेस स्टोरी है, ये जनाब होंडा वाले की है, ये KFC वाले ने ऐसे KFC का ब्रांड बनाया था। लेकिन मुझे तकलीफ होती थी कि सर मुझे अपने पाकिस्तानी किसी ब्रांड की एक सक्सेस स्टोरी शेयर की जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, कोई किताब की सूरत में, कोई वीडियो की सूरत में। तो उनका जवाब होता था, सॉरी हम हमारे पास कोई कॉन्टेंट ही नहीं है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये मैंने एक अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह हमें तौफीक दे, जिसके लिए 100 CEOs का जो कॉन्सेप्ट आया, बुक जो आज पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि दुनिया में जाती है, उस कॉन्टेक्स्ट को हमने पहले किताब की शक्ल दिया। आज तक माशाल्लाह 6 किताबें आ चुकी हैं और 500 to 600 CEOs को हमने उनकी सक्सेस स्टोरीज डॉक्यूमेंट की, जो कि हर बड़ी यूनिवर्सिटी में एज अ केस स्टडीज पढ़ाई जाती हैं। सेकेंड, हमने उसका version 2 शुरू करने जा रहे हैं, वो डिजिटल वर्जन जो है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव का यहाँ सर एक नैरेटिव मैंने चेंज किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओनली स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, इट आल्सो स्टैंड फॉर द चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर। तो ये असल में वी नीड एनर्जी हमें, और इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस भी एनर्जी क्राइसिस है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको समझ आ जाए, तो ये जो टॉक्स हैं, ये इंटरव्यूज हैं, ये बहाना है। असल में दिस इज़ अ changing the soft image of the country and inspiring the nation, this is one liner theme and objective. So this is the context. In this context main welcome karta hu aaj ke is program mein sabse pehle hamare, and luckily ki this is the first program being recorded sir, digital jo success stories hain of the CEOs. तो आज हमने दावत दी CEO कला पाकिस्तान की तरफ से, हमने दावत दी जिसको एक्सेप्ट किया लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब, जो कि करंटली इस वक्त CEO आराम ये कंपनी है जो कंसल्टिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, और फॉर्मरली ही वाज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ये फौजी जो है फर्टिलाइज़र। उससे पहले इन्होंने बहुत बड़ी पोजिशन पर काम किया, और मतलब 40 ईयर्स एक्सपीरियंस है, बाई ब्लड इज़ अ सोल्जर ब्रदर आल्सो ही एज वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो हम इनसे आज एक छोटा सा एक चिट चैट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, वेलकम टू CEO क्लब पाकिस्तान फॉर गिविंग योर टाइम। और हमारा सर स्टाइल लिया गया, उर्दू में बोलें, अंग्रेजी में बोलें, तो मकसद है कि हमारा जो कॉन्टेंट है वो मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग हो कि पूरी दुनिया इसको लर्न करे, सीखे। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जो भी जो लोग बड़े टॉप पे आ जाते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपने लाइफ का करियर का अरूज देखते हैं, वो बड़ा हम्बल स्टार्ट करते हैं, तो आप हमें वो एलिमेंट बताएं जो बहुत कम जो आम रूटीन में हमारे वो आपके जो प्रोफाइल लिखा जाता है किसी बड़े शख्स का, वो नहीं वो चीज़ें नहीं लिखी जाती कि इसने फलां घराने से ताल्लुक़ रखा, फलां देहात से इसने ज़िंदगी का हम्बल स्टार्ट किया, वो स्ट्रगलिंग लाइफ थी जो आज इस माशाल्लाह टॉवरिंग जगह पे आप आए। तो जस्ट एक नटशेल इन 2-3 पॉइंट्स में कि इजाज़ यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, उसका मकसद यह है कि हमारे नए बच्चे जो कुछ नहीं है जिनके पास रिसोर्सेज, वो भी इस सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हो सकें। ओवर टू यू सर।
Thank you very much. सबसे पहले तो I am very grateful कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और I am just very lucky and honored कि ये first ever program record हो रहा है और मैं इंशाल्लाह ताला जो भी आपके questions हैं मैं चाहूँगा कि बड़े खुलूस के साथ और बड़े साफ तरीके से इसको जवाब दूँ. About your this question about my own childhood, I was a privileged person in a sense a child because I was born into a family. My father was a civil servant and working at various places. So I went to good school. जो public schools था बहुत अच्छे होते थे. उसके बाद मैंने आम sacred heart ये जो school है Regal Chowk में वो ये missionary schools बहुत अच्छे हुआ करते थे उन दिनों में. Okay. और वहाँ से मैंने अपना matric किया और फौज मैंने 1973 में join की और फिर आगे फौज में फिर फौज के ए, 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 एक कॉल्ड्रन है ये फौज जो है ना एक कढ़ाई है जिसमें हर किस्म किस्म के लोग आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और वो एक ही कॉल्ड्रन एक ही कढ़ाई के अंदर फिर यक जान हो जाते हैं. तो ये मुझे मौका मिला. इस सवाल के हवाले से जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आई वॉज़ लकी टू बी बॉर्न एज अ चाइल्ड इन अ टाइम्स when there were lot of sports in Pakistan for children जो कि अभी नहीं है. स्कूलों को चार दीवारी में स्कूल बना दिए गए हैं वहाँ खेल का सामान नहीं है आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं रही है तो लोगों में वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और जो वो एक एक मैमार जिस तरह तराशता है ना मुस्तकबिल के लीडर्स को वो शायद खेल कूद अभी नहीं रही है. फुटबॉल नहीं रही रहा हॉकी नहीं रहा क्रिकेट है लेकिन क्रिकेट के खेल के मैदान नहीं हैं. तो वो स्पोर्ट्स जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो मेरा ख़्याल है कि वो ज़रूरत है आजकल के बच्चों में इनकलकेट करने की. दूसरी चीज़ कि मैंने या मिशनरी स्कूल या गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा पब्लिक हाई स्कूल एफजी स्कूल तब एफजी को पब्लिक हाई स्कूल कहते थे जो कंटोनमेंट बोर्ड चलाता था. तो अभी नए प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में अशराफिया जो है अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते. जब तक के गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं अच्छे होंगे हमारे तालीम आम नहीं होगी और आप गरीब आदमी के डोर स्टेप पर वो तालीम नहीं लाएंगे. सर थैंक यू. ये आपने एक कहा कि आपके लाइफ को एक खूबसूरत आपको स्टार्ट मिला पेरेंट अच्छे मिले स्कूल अच्छा मिला तो बचपन के हवाले से कोई क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत अरूज अपने करियर के अरूज पे जाते हैं वो सुनना बड़े शरारती भी होते हैं सर. तो आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आप समझते हैं कि वाकई आप टीचर्स को तंग करते थे या उस्तानी को तंग करते थे. उस्तानी को तो कभी नहीं तंग किया लाइफ में. नहीं मैं शरारती था खेल कूद के मैदान में. कोई मुझे कोई ऐसी शरारतें याद नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा शरारतें की हूँ. कोई ऐसा हकीकत है कि बस ये जो खेल कूद में लड़ाई छड़ाई जो होती है वो किया करते थे. मैं जो बताना चाहूँगा कि ये मैं जब यहाँ पढ़ता था सेक्रेड हार्ट स्कूल में आठवीं जमात में तो मेरे वालिद साहब ने मुझे तीन लाइब्रेरीज़ की मेंबरशिप लेके दी हुई थी. एक पाकिस्तान काउंसिल की लाइब्रेरी होती थी और एक जो थी एक और लाइब्रेरी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन समथिंग. तो दो तीन लाइब्रेरियों की मेंबरशिप लेके दी थी और कहा करते थे जाके पढ़ा करो. दूसरी चीज़ यह कि मुशक्कत करने की आदत मेरे माँ बाप ने मुझे डाली. हमारे घर में दो कारें होती थी एक मेरे वालिद की सरकारी कार और एक हमारी ज़ाती कार. लेकिन हम मुझे सरताज साइकिल लेके दी आठवीं जमात में कि गार्डन टाउन से रीगल साइकिल पे जाया करो. गर्मी सर्दी और हम साइकिल पे जाया करते थे साइकिल पे आया करते थे तो माँ वालदा से कहा करते थे कि इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो कुछ छोड़ के नहीं आ सकते. उन्होंने कहा नहीं आज ये साइकिल पे तुम जाओगे तो कल तुम कामयाब इंसान बनोगे. तो मशक्कत की आदत जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है. सर हॉबीज़ क्या थी आपकी क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी हॉबीज़ पर बड़ी पॉजिटिव होती हैं. आज के बच्चों के तो सिवाय एक मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक पे बैठ जाते हैं वो क्या हॉबीज़ थी जो ये शख्सियत को बिल्ड करती हैं. जी स्पोर्ट्स एक तो हॉकी खेलना क्रिकेट खेलना और शरारत में आप कह रहे थे वो ये होता था कि क्रिकेट में पहली बारी लेनी और अपनी बारी लेके भाग जाना. सारी टीम भाग गई है फील्डिंग नहीं करते थे. और दूसरा एक तब एक बड़ा पैशन था स्टैम्प कलेक्टिंग का क्योंकि तब ये कोरियर सर्विस वगैरह नहीं होती थी लेटर आते थे डाक से
तो ये हम स्टैम्प कलेक्शन, अभी भी मेरे पास स्टैम्प कलेक्शन की काफ़ी सारी मौजूद है, तो ये हॉबीज़ थी। सर टीचर्स के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट की ज़िंदगी में सबसे कीमती जो उसका रोल मॉडल होता है अपने उसके जो पेरेंट्स के साथ साथ, वो टीचर्स होते हैं। टीचर्स को ऐसा कोई याद पड़ता है जिसमें जिस टीचर ने आपकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस किया और यू बिकेम ए वेरी गुड लीडर सर? जी मैंने बहुत से हमारे अच्छे टीचर रहे। एक तो मैं एजुकेशनिस्ट थी पब्लिक हाई स्कूल वॉक एंड की मिसेस जॉन, वो मुझे याद है कि वो एक एक बच्चे से उनका रابطہ होता था। अगर सुबह मॉर्निंग की क्लास हो रही है तो हर बच्चे का कि जी इसके कितने बहन भाई हैं, इसको क्या शौक़ है, तो वो बच्चे से उसी ज़बान में कम्युनिकेट करती थी, अल्लाह उनको मग़फ़रत करे। और दूसरा जो मुझे इंस्पायर किया वो हमारे मिशन स्कूल था, सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल हाई स्कूल। इसके दो मिशनरीज थे, उसमें ब्रदर मैनफ्रेड हमारे जो कि हॉलैंड से इनका ताल्लुक था, वो प्रिंसिपल थे और वो बाज़ औक़ात हमें आके बाज़ टाइम इंग्लिश भी पढ़ाते थे। उन जैसा मैंने अच्छा उस्ताद नहीं देखा, पढ़ाने के लिहाज से, किरदार के लिहाज से और डिसिप्लिन के लिहाज से। हमारे क्लास में सुबह पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता था, कौमी तराना गाया जाता था और रैंडमली वो किसी बच्चे को बुला लेते थे, कम हियर, और आज के पूछते थे डिड यू से योर मॉर्निंग प्रेयर्स। एक क्रिश्चियन हमारे बच्चे हमसे पूछता था कि सुबह नमाज पढ़ी थी, तो वो और नहायत ही अच्छा इखलाक, हर बच्चे का ख्याल रखना। और हम जो कुछ भी कहें कि ये बड़ा ज़्यादती हुई कि हमारे इतने अच्छे स्कूल जो मिशनरी स्कूल थे वो ख़त्म कर दिए गए अभी, और उससे नुकसान हुआ हमारे तालीम का पाकिस्तान। सर इसी तरह ये सफ़र जारी रहा और फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद आपको माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी में कमीशन मिल गया, आप ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट होके आ गए। एक्चुअली जो सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि फ़ौज के जो अदारा है वो सबसे ज़्यादा जो हमारी यूथ की जो कमी में जो महसूस होती है आज की नई नस्ल में, वो डिसिप्लिन की कमी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लैक करते हैं। तो ये अदारा किस किस हद तक आपको डिसिप्लिनाइज करता है, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करता है, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहिए। जी देखें, एक तो हमारी सिलेक्शन जो है ना ये बड़े एक मुस्तनद सिस्टम है जिससे होती है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, जहाँ माहिर नफ्सियात आपको देखते हैं कि आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, और उस एप्टीट्यूड के लिहाज से फिर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी भेजा जाता है। और मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक ऐसा अदारा है जो मैंने आपको बताया ना कि वो एक रॉ मटेरियल को लेता है और उसको एक सोल्जर में ढाल देता है, और ज़्यादातर फोकस वहाँ कायदाना सलाहियतों का होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को वो पॉलिश करते हैं, और आपको डिसिप्लिन, ब्लाइंड डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वो ज़रूरत है फ़ौज की। और उसमें बड़े सख्त तरीके से आपके जो सीनियर होते हैं आपको डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो डिसिप्लिन जो होता है वो इसलिए किया करते हैं क्योंकि वो फ़ौज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो इस तरीके से आपको डिसिप्लिन करते हैं कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपको जो अपने सोचने की सलाहियत है, एक चीज़ को किसी चीज़ को क्वेश्चन करने की, वो दफन नहीं हो जाती, वो ख़त्म नहीं हो जाती, वो रहती है। लेकिन हमारे मुआशरे में जो डिसिप्लिन करने में सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो आपके वालदैन का है, आपके वालदैन का है कि हमारे मुआशरे में ये जो बेरा रवि थोड़ी बढ़ती जा रही है, उनका काम है कि बच्चों को इंस्पायर करना, बच्चों को नए राह पे लगाना, और माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है। फिर ये हमारी सोसाइटी का फ़र्ज़ है, हमारी मीडिया का फ़र्ज़ है, ये मीडिया एज है अभी, तो मीडिया को चाहिए कि कितने इतना ये हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, इनको चाहिए कि कूड़ा ना फेंकना, जो कौम अपना कूड़े का ख्याल ना रख सके वो बाकी चीज़ों का क्या ख्याल रखे। तो ये थोड़ा सा ज़रूरत है कि बच्चों को मिलिट्री डिसिप्लिन एक और चीज़, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन हमारे बच्चों में वो सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, वो डिसिप्लिन आना चाहिए जिसकी कौम को बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। सर एक बड़ा बुनियादी सी चीज़ है कि हमारे इस सोसाइटी में हर लेवल पे एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइसिस है, वो है लीडरशिप क्राइसिस, और चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे इवन के घर की लीडरशिप हो, दफ्तर के अंदर लीडरशिप हो,
और लीडरशिप के हवाले से आपकी क्या, पहले तो लीडरशिप को क्या डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, और हम वो लीडरशिप को जो बिहेवियर्स या ट्रेड्स हैं तीन चार ऐसे आप जो समझते हैं, क्योंकि आपकी जो ग्रूमिंग हुई हुई है या होती है जो आर्मी ऑफिसर्स की या एक सीईओ लेवल की, वो लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, तो पहले लीडरशिप क्या है और क्या ऐसे तीन कॉम्पिटेंस है लीडरशिप की जो कि होनी चाहिए, और तीसरा पार्ट है कि वो कैसे अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं जो खासकर नहीं नसर के जी। देखें लीडरशिप की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अपने अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो अपने सबॉर्डिनेट से टू गेट बेस्ट आउट ऑफ देम ऑन एन असाइन टास्क इज योर लीडरशिप, कि उनसे बेहतरीन रिस्पॉन्स लेना अपनी डायरेक्शंस का, अपनी पॉलिसीज का इज योर लीडरशिप। बाकी इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो अभी जो जहाँ तक लीडरशिप क्राइसिस का ताल्लुक है, मैं इसको थोड़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से फ्रेज करूँगा। लीडरशिप क्राइसिस इसलिए है कि जो अच्छे लीडर हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा कि वो लीडरशिप रोल में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सक्सेस स्टोरीज नहीं है क्या? हमारे पास भी कई बिल गेट्स मौजूद हैं अपने स्कोप में, उन्होंने बड़ी सक्सेस, मैंने कई लोगों की आपके लेक्चर में भी मिसाल दी कि जिन्होंने पाकिस्तान में लीडरशिप के मुस्तनद लीडरशिप है। ज़रूरत इस वक्त की है, आज के वक्त की है कि जितने भी हमारे अदारे हैं उसमें अच्छे लीडर्स लाए जाएँ, कॉम्पिटेंट लोग लाए जाएँ, ताकि वो नेपोटिज़म को फॉलो ना करें और वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टीयर में भी अच्छे लोगों को अपॉइंट करें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ लीडरशिप होगी, जिसमें कैरेक्टर होगा, जिसके अंदर नेपोटिज़म नहीं होगा, वो मेरिटोक्रेसी होगी, वो अपने असूलों पे उसको चलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो लामहाला हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। लीडरशिप को कैसे ग्रूम किया जाता है, मैंने आपको बताया कि आजकल का बच्चा जो है उसको लीडरशिप का मौका नहीं दिया जा रहा कि खेल के मैदान में हो। खेल के मैदान बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो वहाँ सीखता है, लीडरशिप सीखता है, वो अपने छोटे से लेवल का कैप्टन बनता है, वाइस कैप्टन बनता है मोहल्ले की टीम का, वो फिर आके जब खेल शुरू होता है तो उसमें वो डायरेक्शन दे रहा होता है कि आगे चलो, तू तेज़ भाग, तू आहिस्ता भाग, ये लीडरशिप क्वालिटीज एक्सेल हो रही है। हमारे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और वो बेहतर होता जा रहा है, जो गवर्नमेंट्स जो हैं उस पर तवज्जो दे रही हैं कुछ गवर्नमेंट, तो ये लीडरशिप तो है ना, अब लीडर्स आवाम में से निकले। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उनको अभी कोई एक एकेडमी बना के बेहतर कर देंगे, ये नहीं हो सकता। ये माहौल, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी लीडर्स को ग्रूम करती है। आप भी वहीं से ग्रूम हुए, हम भी वहीं से ग्रूम हुए, और ये सब वहीं से ग्रूम हुए। सर इसी तरह जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आए, आपने ये सारा सर्विस किया और ये लीडरशिप सीखा और सारा कुछ किया, फिर आपने एक कॉर्पोरेट बहुत बड़ी एंटिटी जो फौजी फर्टिलाइज़र के नाम से है बिग, और आपने इसको टर्न अराउंड किया, तो उसके हवाले से बताएं कि किसी कंपनी को, अदारे को टर्न अराउंड करना हो, वो क्या बेसिक जो ये तीन चार चीज़ें हैं जाके हमारे जो नए यंग सीईओज हैं या एग्जिस्टिंग सीईओज हैं वो अपनी कंपनीज को चेंज कर सकें। सर जी मैंने देखें, जो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम का तल्लुक है, ये बुनियादी तौर पे उसका जो मकसद है बिज़नेस करने का, कि हम वहाँ से डिविडेंड लें और जो फौजी फाउंडेशन ट्रस्ट है जी, जी उसको दें, ताकि जितने भी रिटायर्ड फौजी और उनके बच्चे जो हैं उनको हेल्थ और एजुकेशन में फैसिलिटीज फ्राहम करना। तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी वजह से बिज़नेस करते हैं, लेकिन चूंकि कॉरपोरेट का हिस्सा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड का, मेरे नज़दीक सबसे जो अगर एक अदारे में तीन चीज़ों पे फोकस किया जाए, तीन चीज़ों पे, तो आप पाकिस्तान की, दुनिया की बेस्ट कंपनी बन सकते हैं। और मेरे नज़दीक पहला है HR, दूसरा है HR और तीसरा है HR। वाह, आप बेहतरीन लोगों को, बेहतरीन जो काम करने वाले हैं उनको इनक्रेज करें, उनको सही मौका दें अपने काम करने का। दूसरा, उनकी ग्रूमिंग करें, ट्रेनिंग करें। अब ये लोग कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग कराई जाती है बहुत ज़्यादा, ये बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको फॉर्मल ट्रेनिंग देंगे तो, और वो फोकस्ड कि अगर इसका ये फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस के लेटेस्ट जो भी इसमें ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करें, अगर टेक्निकल है तो उनको लेटेस्ट सेफ्टी के हैज़र्ड के जो गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल करें,
तो एचआर पे फोकस करें और वो उन लोगों को मौका दें, उनको लिबर्टी दें, उनको जिम्मेदारी दें, वो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। और मैंने इसी पे फोकस किया और उनको सही, और दूसरी बात कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट पे, तो ये नहीं है कि वो तलवार उनके सर पे लटकती रहे, आप उनको मज़ा आए काम करने का, तो ये एचआर पे ज़्यादा मैंने फोकस किया था। सर एक कभी सीईओ की कामयाबी या चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है किसी कंपनी को लीड कर रहा है, उसकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो उसकी टीम है, क्योंकि कोई भी विजन जो होता है, कोई सीईओ या कंपनी का जो विजनरी आदमी विजन तो देख लेता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो जब तक उसके पास सक्सेसफुल जो परफॉर्मिंग हाई परफॉर्मिंग टीम नहीं होगी वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, एक पाकिस्तान के वैसे भी जो हमारा जो सेटअप है कल्चरल, हमारा जो साइकी है वो इसके अंदर इंडिविजुअली हम बहुत बड़े इंडिविजुअल पर स्टार होते हैं, लेकिन हम अपनी टीम में जाकर जीरो हो जाते हैं। हमारे सामने आपकी पाकिस्तान की टीम या कहीं भी किसी भी आप स्पोर्ट्स की टीम देख लें, इंडिविजुअल सारे स्टार्स हैं लेकिन कलेक्टिवली हम मैच हार जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टीम का क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर टू एक टीम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छी, और नंबर थ्री हम टीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम वाकई एक एक वन मैन शो ना बन जाए, ताकि उसको टीम को आगे लेके चले सके। जी ये टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीम वर्क होगा तो कंपनी का तो क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे टीम बनती है। ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि एक तो जो माहौल कंपनी में, जो देखे ना जो टॉप सीईओ है वो एक टॉप पे बैठा है और वो आपकी जो इंटरनल कंपनी पॉलिसीज़ हैं वो नीचे ट्रिकल डाउन करते हैं, और वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए टू डेवलप ट्रस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, बेटर कम्युनिकेशन और सज़ा और जजा का सिस्टम, फेयरनेस। जब आप फेयरनेस नहीं होंगे तो टीम नहीं बनती है। ट्रू। तो वो टीम आप फर्स्ट लीडर्स का है, नंबर वन सीईओ तो नंबर वन टीयर है, फिर डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो भी अच्छे लीडर हों, उनको गाइडलाइन दी जाए कि आपने कंजीनियलिटी और टीम स्पिरिट इनकल्केट करनी है। ट्रू। इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इनफॉर्मली सीईओज और जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि टीम बिल्डिंग करें, और ये उनकी जिम्मेदारी है। ट्रू ट्रू। सर दो तीन छोटे शॉर्ट क्वेश्चन फिर हम अपनी ऑडियंस की तरफ आएंगे। कोई भी सीईओ जो होता है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो डिसीजन मेकिंग है, और ज़िंदगी फैसलों का नाम है। आज मैं आप जो भी हमारे सीनियर लोग बैठे हैं हमारे सामने ऑडियंस में, यूथ बैठी है, कि जो भी हम होते हैं वो आउटकम ऑफ द डिसीजंस होते हैं। तो ज़िंदगी में डिसीजंस मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर अ सी लेवल लोगों के लिए खासकर, इवन किसी भी लेवल पे, और ज़िंदगी में आपने क्या मुश्किल फैसले किए सर? देखिए हमारी तो ग्रूमिंग ही आर्मी में फौज में डिसीजन मेकिंग है। वी आर ग्रूम्ड ट्रेन टू टेक डिसीजंस, and in corporate sector you lose money, in military you lose lives, so that is the difference between the two, both are important. देखें एक तो है कि decision making जो है ना, जिसको कहते हैं कि what is decision, quick decision making क्या है, और इसको I would say कि ये कुछ लोगों में experience के साथ intuitive decision making होती है, कि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, ऑड्स आर इक्वल, गेंस आर इक्वल, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं। और इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग में दो चीज़ें हैं, योर नॉलेज एंड योर गट्स। आपकी नॉलेज क्या है उस फील्ड के बारे में, कितना तजर्बा है, और आप में गट्स कितने हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और फिर वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होगी। हैविंग सेड दैट, मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि अगर कोई भी इंसान ये समझता है कि वो अकेले कुल है और वो जो डिसीजन ले रहा है सही है या गलत है, आपको मशावरत करनी चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल सीईओ हैज़ इन एनी कंपनी देयर वुड बी फाइनेंस पीपल, देयर वुड बी डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क, देयर वुड बी टेक्निकल पीपल एंड सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स। यू मस्ट गेट इनपुट फ्रॉम योर दो सीनियर मैनेजमेंट एंड देन have a formal system of taking a decision at the company level, but responsibility of taking the decision mishawrat ke baad is with the boss, is with the CEO. You can't say when things go wrong, you can't say yaar maine to tumse pucha tha. No, you have to ask them, everybody, collective wisdom, but
you are the one who is going to be responsible for taking that decision. Excellent, sir. Sir, who is your role model, sir? Aap kahan se inspiration hasil karte hain? If you ask me, my role model is Qaid Azam, Muhammad Ali Jinnah. And I read a lot about him. Mujhe nahi lagta ke koi kitab ya koi Qaid Azam ka koi unke jo personality ka pehlu jo hai wo maine na padha ho. Aur sabse badi baat ye hai ke aaj kal Pakistan mein Qaid Azam ki teaching aur inspiration ki zarurat hai. जो जो लीडर जो बिकता नहीं है, लीडर जो है इतना पंक्चुअल है कि आई हैपन टू टॉक टू वन ऑफ द वेटर्स हु सर्वड हिम समवेयर इन कश्मीर. ही सेड, उन्होंने कहा कि हम 2:15 पे खाना खाएंगे, और कहता है मैं बैठा तो दो, मैंने कहता है रेडियो से घड़ी मिला ली कि कायद आजम का वक्त की पाबंदी क्या है, कहते हैं एग्जैक्ट 2:15 पे दरवाज़ा खुलता है एंड कायद वॉक्स इन. और उसमें तो अगर उनके पहलू पे तो हम सारा दिन भी बात करें तो कम है. ही गेव अस अ ग्रेट गिफ्ट, खुदा की तरफ से जो हमें पाकिस्तान मिला है, हम इसकी हिफाजत करें और कायद आजम के असूलों पे ही चल के हम ये पाकिस्तान को सही रास्ते पर आ सकते हैं. सर, कोई ऐसी आउट ऑफ मैनी लर्निंग्स जो आपकी कायद के आजम के हवाले से जो शख्सियत जो इंस्पायर करती हैं, कुछ दो या तीन चीज़ें हमारी ऑडियंस को बताइए जो वाकई हम आज के इस इंटरव्यू में, इस टॉक में कुछ लेके जाएं सर. तो दो तीन चीज़ें जो वाकई हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हैं आज के इस कॉन्टेक्स्ट. एक तो मैं आपको एक मुझे किस्सा चूँकि याद आ गया तो बता रहा हूँ मैं कि आप की इस्लाह आपके सबॉर्डिनेट भी करते हैं. ये आपकी जब आप कैरियर में ग्रूम हो रहे होते हैं तो आपकी इस्लाह कभी अपने आप को इंसुलेट ना करें कि जो लोग आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं. मैं एक दफ़ा SSG में था तो बड़े मज़े की बात है, मुझे पंजाबी में गाली आती नहीं थी देना. तो जब मैं SSG कमांडो में चला गया तो लोग गाली वाली देते थे ना, ज़रा टू शो दैट दे आर मैचोज और समथिंग. तो मैंने भी गालियाँ देनी शुरू कर दी, वो तेरी है, वो थे जस्ट टू बी के जी मैं बड़ा अभी इमेच्योरिटी कह लें, जो भी हम यंग कैप्टन थे. तो एक दफ़ा हम एक एक्सरसाइज पे जा रहे तो सामने एक सुबह का वक़्त था, मैं जीप चला रहा था तो मेरे साथ एक सिपाही लांस नाइक फीती बैठा हुआ था. तो आगे से वो चौकीदार ने पुली बंद की हुई थी तो मैंने उसको गाली दी और कहा अरे तेरी ये उठा, और उसकी तरफ देखा कि ही विल गिव मी रिकग्निशन. उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मैंने आजा था कि तुम देखा मैंने कैसे उठाया. कहते सर एक बात कहूँ, सर आप जैसे अच्छे अफसर को गाली जेब नहीं देते. आई लर्न दैट लेसन फ्रॉम हिम कि नॉट टू बी अब्यूसिव बिकॉज आई हैव टू बी नेचुरल व्हाट आई एम. तो ये आप लोगों से भी नीचे से सीखते हैं. मैंने बताया कि लर्निंग कर्व कभी ख़त्म नहीं होता. तो आप सीखते रहते हैं. बहुत सारे किस्से हैं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएंगे. कोई एक तो, छोटी सी मुझे जो याद आ गई मैंने आपको बता दिया है कि एक मैं आपको बताऊं कि इम्पॉर्टेंट जो मुझे, चूंकि मैं डीजी रेंजर्स पंजाब रहा हूँ उसके हवाले से मैं बताता हूँ कि मैंने जहाँ भी जिस मौके, चाहे मैं कंपनी में रहा, हमें कंपनी की बात को मिसाल, पहले रेंजर्स की फिर कंपनी की मिसाल दे, तो मैंने कहा मेरा हमेशा आदत है कि सबसे पहले मैं देखूँ कि जो जवान है, जो सबसे नीचे का तबका है, वो किधर रहता है, कैसे रहता है. तो मैं अपने LM ऑफिसर के साथ गया वहाँ, तो वहाँ सीवरेज का सिस्टम ख़राब था, पानी नहीं आता था, लोगों को इतने कम्फर्टेबल नहीं थे. तो मैंने कहा कि इसको ठीक करें. तो जब मैंने उनको उनकी ये चीज़ें ठीक की तो बिस्तर बेहतर कर दिया, चारपाई बेहतर कर दी, कंटीन बेहतर कर दी, सीवरेज का सिस्टम लॉन बना दिया, अच्छे एनवायरनमेंट कर दिया, तो जो मेरा मुशाहिदा हुआ कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो. तो आप एक अपने सबॉर्डिनेट्स को जब रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ बातचीत के अलावा
उसको रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट देते हैं तो उसकी ये बढ़ जाती है। एक बात जो ये सबॉर्डिनेट्स के टच के हवाले से, हम बकरा ईद आती है और हम सब बकरे काटते हैं, गोश्त खाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गोश्त नहीं खाते उस दिन? आपको पता नहीं है शायद। जी सर, गोश्त नहीं खाते, नहीं खाते भी, एक तो होता है ना कुर्बानी करना, वो खा भी नहीं सकते। उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि जो बाइज्जत आदमी है ना वो डोर टू डोर जाके गोश्त मांगता नहीं है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसके घर कोई नहीं डिलीवर करता गोश्त। सही, उस दिन बाज़ार बंद होता है, गोश्त खरीद भी नहीं सकते। तो मैंने ये देखा है कि उस दिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बकरा ईद वाले दिन, क्योंकि फिर उसके घर दाल या जो भी हो सब्ज़ी वगैरह पकती है, गोश्त नहीं पकता। कभी कोई दे गया तो दे गया, वरना बाइज्जत जो बावकार आदमी है मांगता भी नहीं है गोश्त, और वो जा कर के ख़रीद भी नहीं सकता क्योंकि गोश्त की दुकान है। ये मुझे ऐसे पता लगा कि मैंने फ़ौज में भी पता लगा, फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आया तो मैंने ये बकरा ईद आ गई, तो जो हमारे हेडक्वार्टर के जो लोग थे FFBL के, कोई 100 के करीब लोग थे, मैंने कहा जी 3-4 बैल आप ज़िबह करें और उनके घरों पे गोश्त दें। तो मुझे फिर ये मैंने रीलर्न किया लेसन कि वाकई उस दिन वो गोश्त नहीं खाते, और कितनी बदकिस्मती है ये वो गोश्त है तब ये सड़कों पे रुल रहा होता है। अभी इसके लैंग्वेज रुलना का जो उर्दू है कि वो वे लोग खा खा के पागल हो रहे होते हैं, गोश्त टिक्के खा रहे होते हैं, ये खा रहे होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं अम्मा आज गोश्त नहीं पका और नहीं पकता। तो जब मुझे फिर जो फीडबैक मिली कि किसी एक ऑफिसर ने बताया कि सर वो ड्राइवर मेरा कह रहा था कि जी MD साहब आए हैं और हमारी भी आज ईद हो गई जी, ऐसा भी गोश्त खा दिया आज, माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि लीडर वो है जो अपने जो लेग हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके दर्द को महसूस कर सके। लीडर वो है जिसको पता हो कि मेरा ये हुक्म जो है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा नीचे। अगर लीडर वो अशराफिया में शामिल हो जाए और ही लीव्स द टच ऑफ ग्राउंड, वो लीडर नहीं रहता, वो सिर्फ हुक्मरान बन जाता। सर एक्सीलेंट, ब्यूटीफुली, बल्कि यहाँ तो हॉली प्रॉफिट पीस पी अपॉन ही, उनका भी वाक्य में अक्सर हम सुनते हैं कि जब वो जंगे खंदक का वाक्य है, जब एक साहब आए तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा जी कि देखिए जी कि मेरे एक पेट के ऊपर एक किया लगा, तो उसमें एक पत्थर, उन्होंने जब अपना उठाया तो उसमें 3 थे। तो ये तो लीडरशिप तो होती ही बाय एग्जांपल है, ये वॉक द टॉक है। सर 2-3 छोटे मुख्तसर क्वेश्चन पे फॉरम ओपन टू द ये जो माशाल्लाह इतने खूबसूरत दोस्त बैठे हैं। सर आपका बिगेस्ट फियर क्या रहा, या फियर? लीडर्स डोंट फियर एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह, एक्सेप्ट गॉड। लीडर डरते नहीं है। रिग्रेट, जो डर गया वो मर गया, वो मर गया। सर एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ये है कि हम इस पाकिस्तान के लिए और कुछ करें। रिग्रेट तो नहीं, पैशन कह लें कि आई वुड लाइक टू डू अ लॉट फॉर पाकिस्तान, और मैंने इस वजह से मैंने अपनी एक NGO बनाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका नाम है बचपन। और वो सिर्फ है कि हम टू स्टार्ट विद हम खेल का सामान और खेल बच्चों के डोर स्टेप तक लाएंगे। एक फुटबॉल 22 बच्चों की में मुस्कुराहट ला सकता है। वाँ वाँ। मैंने दूर उफ्तादा पाकिस्तान का सफ़र किया है, मैंने पत्थर से फुटबॉल खेलते लोगों को देखा है, मैंने डंडों से हॉकी खेलते और पत्थर से देखा लोगों लो, और हम यहाँ स्पोर्ट्स की ग्राउंडें हम यहाँ रोते हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता, वज़ा नहीं मिलती, और ये थर में अभी भी बच्चे भूख से मर रहे हैं, अंडर नरिश चिल्ड्रन। यस, सो ये मेरा ये बचपन के हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल इसी में है कि हम आज के बचपन की तहफ़ करें, लोगों को अच्छा बचपन देंगे तो अच्छे जवान बनेंगे, माशा अच्छा खाना देंगे, मजबूत बनाएंगे उनको तो अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे। सर दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सर गुस्सा कैसे काबू करते हैं अपना? गुस्सा हमारी कौम के अंदर बड़ा ज़्यादा है, हाउ यू मैनेज योर एंगर? हाँ जी, गुस्सा असल में ये गुस्सा जो है ना ये वक्त के साथ साथ ठंडा हो जाता है,
जज्बात भी ठंडे होते हैं। जब आदमी यंग होता है तो बहुत गुस्सा होता है, और ये गुस्सा का बेहतरीन इलाज है अल्लाह का डर, खुदा खौफी। आप में खुदा खौफी नहीं है तो आप में जलाल बहुत आ जाता है। तो आप ये गलत है, गुस्सा हराम है, इसीलिए हराम है ना, क्योंकि एक तो डोंट टेक एनी डिसीजन वाइल इन द स्टेट ऑफ एंगर, ऑलवेज थिंक ओवर इट। सर अभी एक प्रेजेंटेशन आपकी सुनी, बहुत खूबसूरत, आपने कहा कि डिफाइन किया हैप्पीनेस को, योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस अगर आप चंद जुमलों में बताएं कि खुशी क्या है और हाउ वी कैन अचीव दिस हैप्पीनेस। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग विद एन इंटेंशन एंड विद रिजॉल्व टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन द पीपल, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। सर सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस देखें, एक तो आई विल डिफाइन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हाउ सक्सेसफुल योर ऑर्गेनाइजेशन इज। ओके, बिकॉज इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग व्हाट द रेगुलेटर्स वांटेड टू फॉलो, यू आर मॉरली ड्रिवन पॉलिसीज एंड यू आर मेकिंग गुड मनी, यू आर अ सक्सेसफुल कंपनी, यू आर अ सक्सेसफुल सीईओ। Because why are you doing business? You want to earn money. And then you don't want to follow wrong practices. And thirdly, you have made people happy. Your HR is happy. Your human resource is happy. If I am meeting these three requirements, I think I am a successful CEO. Favorite kitab, aapki book, jo ki aap recommend karenge logon ko, ki leaders are the readers. Ye basic philosophy hai globally, ki jo bhi achhe leaders hote hain, wo readers hote hain. तो आपकी दो तीन ऐसी किताबें जो वाकई आपने इस प्रोफेशनल जर्नी में आपने स्टडी किया, जो इम्पैक्ट किया आपको लीडरशिप के हवाले से? मैं नॉर्मन डिक्सन की एक किताब है ऑन द एग्जैक्ट वर्ड इज ऑन मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस, और उसकी थीम ये है कि एवरी बॉडी इज राइजिंग टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। वाह, कि एक जूनियर आप देखेंगे बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव है, उसको आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव का रोल दिया तो अच्छा था, उतना अच्छा नहीं रहा जितना एग्जीक्यूटिव था। फिर जो मैनेजर बना तो ही वॉज एन एवरेज, उसको सीनियर मैनेजर बनाया तो ही वॉज एन अपोलॉजी। सो एवरी बॉडी इज राइजिंग टू द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, तो वो बड़ी अच्छी किताब है। सर एक यूथ की सॉरी वो है ऑन द फिलोसफी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस, नॉर्मन डिक्सन। सर एक इनफॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि जब होते हैं फैज़ अहमद फैज़ से ये सवाल पूछा गया, बड़ा बड़ा ब्लंट जवाब दिया उन्होंने, ये एक ज़रा वो छुपे हुए जो होते हैं ना पहलू जो किसी सीईओ के बड़े आदमी के होते हैं, जो कि जरूरी लिखे नहीं जाते और पढ़े भी नहीं जाते हैं ना सुने जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ से पूछा कि आपने कितनी मोहब्बतें की, तो उन्होंने कहा 17 की थी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सर आपका भी कोई लाइफ ज़िंदगी में कोई बचपन में कोई ऐसा कोई वाकया हुआ कि जिससे मोहब्बत हुई उसी से शादी हो गई, या कोई ऐसा कोई जिससे शादी की उसे मोहब्बत कर ली, कोई ऐसा पहलू जो वाकई समझते हैं कि क्योंकि हम फौजी समझते हैं, कोई फौजी से लड़ने के लिए हैं, वो रोमांस भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है सर। नहीं, फौजी भी बहुत रोमानवी होते हैं, और ज़िंदगी में रोमांस ना हो तो ज़िंदगी फीकी है। यस, और दूसरी बात है कि जिसने मोहब्बत नहीं की वो इंसान ही नहीं है। वाह, तो ये ढके छुपे पहलू है, उसको ढका छुपा रहना क्योंकि मैंने घर भी वापस जाना। सर एक मेरी आज का एक हम सीईओ से पूछते हैं होप के हवाले से और ऑप्टिमिज्म के हवाले से और यंग सीईओस के हवाले से, क्योंकि हम एक यंग सीईओस को, क्योंकि ये जो इस प्रोग्राम का ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम जो फ्यूचर सीईओस को डेवलप करें, जो कि जो आप जो करंट सीईओस हैं जाके वो उनको गाइड करें कि हाउ टू बी अ सीईओ, तो इस हवाले से आपका मैसेज ऑफ होप एंड मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म अबाउट द यंग सीईओस, अबाउट फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टार्टअप्स, वो क्या है सर? मेरा मैसेज ये है, फेथ इन पाकिस्तान। आप यहाँ से पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल करें, यू ग्रूम योर सेल्फ एंड देन यू आर, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ माइग्रेटिंग, गो अब्रॉड, हैव गुड एजुकेशन बट कम बैक, हैव फेथ इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट कंट्री, इट इज़ द बेस्ट एंड इट विल बिकम बेस्ट कंट्री इन ऑल रिस्पेक्ट, we are a great nation, serve it, serve the nation, serve the country,
and inshallah ta'ala sky is the limit. We are going to be a great country very soon, inshallah. Aur aapne resolve jo dekha abhi USA ke president ne hamare khilaf harza sarai ki, his utterances offended every Pakistani. ये काट दें आप में काट रहे हैं ये चलें नहीं नहीं मैंने कब ऑडियंस के लिए मैं रेडी हूँ I thought you don't want me to give a political statement. I was just telling you, look how this country, how this nation responded, how this nation responded, and they had to retract. This is Pakistan. You are strategically well located. Yes, sir. You have the highest number of youth in the world, relative basis, and Europe is getting older. We are the young people. Yes, sir. We can steer Pakistan towards the greater heights of glory. True. Counter terrorism is over now. What is left is the Indian and raw and those terrorism sponsored by other countries. So it is fertile land yet to be explored. It requires the young energy of you people. And sky is the limit, inshallah. We are going to be a great country. सर दो तीन क्वेश्चंस फिर हम करेंगे आपसे अपना इजाज़त लेंगे जी सर सर अपना नाम बता दीजिएगा और क्वेश्चन वन लाइनर सर सर जस्ट सर इधर एक सेकेंड सर मेरा नाम सैयद अलहमदार बुखारी है और आई एम वर्किंग विद एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी टोटल पार्ट ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड एज ए क्वालिटी कंट्रोल हेड मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस के डेवलपमेंट सक्सेस जो है उसके पैरामीटर्स उसके डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाता था ठीक है अब उसके साथ उसके एच एस सी जो परफॉर्मेंस है उसको लिंक करें वो कंपनी साउंड और बिजनेस डेवलपमेंट वाली कंपनी समझी जाएगी जिसके एच एस सी स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक के साथ ही चलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जो कॉरपोरेशन हैं पाकिस्तान में जो कॉरपोरेट कल्चर है वहाँ ये अडॉप्टेशन आई है या आ रही है या स्लो है या फास्ट ट्रैक एच एस सी साहब का हैजर्ड हैजर्ड और सेफ्टी एच एस सी हेल्थ सेफ्टी है ना हाँ जी हेल्थ सेफ्टी एक्सीडेंट और या देखिए एक बात है कि ये रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है ना ये बहुत ज़रूरी है आई नो ऑफ द बिग कंपनीज आई हेडेड वन एफ एफ बी एल वी वर फॉलोइंग द हाइएस्ट स्टैंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एच एस सी ड्यू पॉइंट के And we used to train people, we follow that. And every company is doing that. So, look, international business practices to aa rahi hain, aayengi. Jo bhi nayi companies lag rahi hain, abhi par sector mein itni investment hui hai, all international standards are being followed. I, as CEO, established one power plant, the first coal power plant to come into operation in Pakistan. And in 18 months, we got it completed. We followed the highest standards. तो देर फॉर हाई जो सेफ्टी एच एस सी के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं और होने भी चाहिए एंड डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान इंडस्ट्रीज हाई स्टैंडर्ड्स आर बीइंग फॉलोड देखिए तभी तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आती है वरना आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे और एच एस सी के वो एक्रेडिशन नहीं होगी आपकी ठीक है जी सर जी सर हाँ मैं देखती थी टेक्सटाइल टेस्टिंग इंटरनेशनल हमारी टेस्टिंग की थर्ड पार्टी टेस्टिंग इंस्पेक्शन की कंपनी है When you look at the corporate sector in Pakistan, you see that there are a lot of challenges for an organization to go from one generation into the second generation. And you see a lot of success stories going down. So how do you look at it? What is lacking? And how can we cover that in the coming years? You see, basically, no one is prepared to accept losses, no company, financial losses I'm talking about. So our business models have to be such evolved that they earn the profits. Now coming to when you are going your business, you want to take it to the second generation. So there are three aspects to this. First is that you have to change your business practices, bring them at par with the latest trends. One, I am talking about any other company. Other is the technology. You see, you have to old industries antiquated. I'm talking about one company I know that their ammonia plant was of 60s technology, 50s technology. To replace it, you have to spend money. So, is the government helping? Is the government helping you to come upgrade you technologically? And then comes the systems. So, I think government support
and government policies are important in this respect. That's my perception. Then it will to change. I said nobody would like to lose money. So you need investment, long-term investments. This is my take on this. Haan ji, two questions, last second. Second last question. Salman Latif from is my name. Especially when we are talking the corporate. Today, the biggest frustration of the youngsters in the corporate is the people who are sitting, old people or the veterans who are not leaders. They are not letting them get the opportunities. They do everything themselves and not getting involved into them. That frustration is becoming a bigger thing. So how, what they should do to those youngsters to come out of this frustration, because that is also hindering their growth into the company. I think two things. मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, एक तो जो रियल कॉम्पिटेंट यंगस्टर है ना वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, ही एल्बोज आउट द एल्डर्स, जस्ट रियली कॉम्पिटेंट पीपल. आई हैव सीन, मैं तो हैरान रह जाता हूँ, जनाब थर्टीज़ में है, मिड थर्टीज़ में लड़का है और ही इज़ द सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड डूइंग वेरी वेल. कॉम्पिटेंट कहाँ कहाँ से पढ़ के लोग आए. तो बाकी अगर जो इतना एल्बो नहीं कर सकता एल्डर्स को, द एल्डर्स शुड देन रिटायर एट द राइट प्लेस एंड स्टार्ट व्हाट आई एम डूइंग, स्टार्ट प्रीचिंग रादर देन प्रैक्टिसिंग. जी मायरा प्लीज. सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, समथिंग दैट वी कैन वी शुड होल्ड ऑन टू एंड नॉट लेट गो. व्हाट डू यू थिंक इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन? द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान नेशन व्हिच इज व्हिच कट्स अक्रॉस द ऑल द कम्युनिटीज इज द पैशन. वी व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग वी डू विद लॉट ऑफ पैशन. व्हेन वी प्रोटेस्ट विद लॉट ऑफ पैशन. एंड द व्हाट वी नीड टू डू इज टू चैनलाइज दिस पैशन towards productivity. That is, I think, that is, आप देख लें हम लोग जिस बात को किसी चीज़ पर अट जाए, जो काम करते हैं इतने पैशन से करते हैं, ऐसे ऐसे इनोवेशन निकालते हैं, गलत साइड पर निकालते हैं. धरना भी दे रहे हैं तो पाकिस्तान बंद हो जाता है. धरना आई थिंक धरना नहीं, मैं आपको बताऊँ कि इवन इवन महिला में इतने इनोवेटिव है कि जो गलत काम बाहर हर टेक्नोलॉजी को बीट करने में चाइनीज आर ओवरटेकन अस बाय द वे. ये पैशन पैशन. हाँ जी एक लास्ट क्वेश्चन. माय नेम इज नूर महसूद, आई एम फ्रॉम साउथ पाकिस्तान एजेंसी और आई टोल्ड यू दैट. मेरा सवाल ये है सब कि काकुल के अलावा पाकिस्तान में ऐसा इदारा क्यों नहीं बना? मैं आपको बताऊँ उसकी वजह. HSN कॉलेज है ना, नॉन मिलिट्री है, ठीक है जी. आप उसके अलावा सादिक पब्लिक स्कूल, वो भी नॉन मिलिट्री है, ठीक है जी. उसके बाद आप इतने ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है, जिसने जैसी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अभी अच्छी हो गई है, हर नुक एंड कॉर्नर में फैल गई. हमारे जो स्टेट ने इस पर फोकस नहीं किया. मैंने आपको बताया ना कि जो मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़ा हूँ, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और मिशनरी स्कूलों में पढ़े, क्योंकि माई फादर कुडंट अफोर्ड एचएसएन कॉलेज एट ऑल. आई हैव बीटन ऑल दीज पीपल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एचएसएन एंड ऑल दीज पब्लिक स्कूल. क्वेश्चन एक्सीलेंट. आई हैव बीटन मैम आम ये सेंट्रल मॉडल स्कूल तो फलाना गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े. हमने ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की डेवलपमेंट की तरफ फोकस ही नहीं किया. आप देखो ना हमारे 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 स्टेट में गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती है. हमारे स्टेट में मैं कहता हूँ कि एक एचएसएन कॉलेज बना था. ये देखा मायोपिक अप्रोच. मैंने किसी एचएसओनियन को कहा कि भाई आप एक एचएसएन कॉलेज का एक ब्रांच बनाएं सिंध में, एक बनाएं फैसलाबाद में, एक बनाएं केपीके में. नहीं 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 जी, एचएसएन कॉलेज तो एक ही होता है. इज रॉन्ग. हमने हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी और हमारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में भी इस तरफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी. हमारा जो अभी जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं है ना पाकिस्तान में, ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन बढ़ा रहा है. सेंस ऑफ डेप्रिवेशन. केपीके में अभी उन्होंने स्टार्ट किया है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी बच्ची जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजी है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर. वाह. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट. But when the country focuses on brick and mortar and not
investment in education. Not go and not investing in the human resource development, they are at fault. So last question. What was Kai's narrative about Pakistan future system? Yani aksar ek hamare confusion hai logo mein, to intellectuals especially. Kai Azlam was a secular person aur wo ek secular mood chahte the aur dusri taraf ek aur school of thought hai ki nahi ji main baap ko sab usko pura dekhe ek main ji na main iska jawab dete hu tashi rakhi dekhe very good question. Abhi mere paas do sayings nahi hai jo ki authentic saying hai Kai Azlam ki. Ek unhone kaha tha ki words to this effect ki Pakistan is for the Muslims and we will get our inspiration from Quran. That's how the country will be run. But then in another speech he also said it is not going to be a theocratic state. So therefore hamara Islam, dekho Islam is our religion, isse hame inspiration leni hai, lekin yahan mulla umar ki type ki hukumat nahi hogi. It is not supposed to be a theocratic state. It is going to be secular world jo hai na. Qaid-e Azam ne ye nahi kaha ke secular, unhone kaha Islam musalmanon ke liye jisne mulk banaya wo kaise secular ho sakta hai. Secular to tha ke wo kehte bhi it's up everybody is equal, koi religion ka koi role hi nahi hai. Jab the very existence of Pakistan is for the Muslims of this subcontinent, through this tells you that was the basis. But it is not supposed to be a theocratic state. Theocratic state kya hai ke clergy jo hai, clergy kehti hai ke we will tell you how you should live, we will tell you how you should behave, and I have the divine right of prosecuting you if you do not follow this. Dekhe acha, aur usme baat ye hai ke aapne social pressure generate karna. Aap mujhe bataye ko sare aam can anybody start drinking on the roadside? Cannot. Social pressure ho, dekho kya kar raha hai. Behayai ke khilaf social pressure hota hai. Social pressure society ka corruption society ne accept kar, सोसाइटी का प्रेशर ही नहीं है. माशाल्लाह जी बच्चे की बड़ी अभी फलाने मैट में काम करता है, ऊपर की आमदनी बड़ी है माशाल्लाह, बच्ची मेरे लिए गाड़ी भी ले ली. थैंक यू वेरी मच. एक छोटा सा आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. अगर आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की है ना, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, आई कैन नॉट डू दैट एसएसजी ट्रेनिंग. आई नो दैट एसएसजी ट्रेनिंग जो है ना, दैट इज एंडलेस मोटिवेशन, एंडलेस विल पावर. आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओनली 10 टू 15 क्वालिफाइड दैट, एंड दैट्स द ओनली रीजन एसएसजी ऑफ पाकिस्तान इज द टॉप मोस्ट वर्ल्ड बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड. और सर वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर या लीडरशिप के साथ, उसको आप लिंक कर रहे हैं कि वो एंडलेस मोटिवेशन एवरी डे दे बीट यू, तो आप ना जो है विड्रॉ करें, लेकिन आप फिर भी करते हैं और फिर एट द एंड यू क्वालिफाइड एट एसएससी ट्रेनिंग. सर प्लीज योर एक्सपीरियंस एज एसएससी कमांडर, क्योंकि आपने वो कंप्लीट ईयर एज यू कमांडर देयर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एंडलेस मोटिवेशन वो कहाँ से आती है और वो कैसे आती है और विल पावर की आप उसको परसिस्टेंटली लेकर चलते हैं. सर वो देखिए ये जो बताया ना, एक होती है स्पॉन्टेनियस मोटिवेशन कि मैंने आपको मोटिवेट किया और चलो अभी हम पत्थर मारें, स्पॉन्टेनियस मोटिवेशन है ना. एक मोटिवेशन होती है जो कि आपके कैरेक्टर का हिस्सा है, कि आपको वो एक है कि जो पल्स आती रहती है, कम ऑन स्टे ऑन कोर्स स्टे ऑन कोर्स. तो ये एक दो चीज़ें हैं मोटिवेशन. यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, लेकिन ये दो चीज़ें, एक स्पॉन्टेनियस मोटिवेशन कि मैंने अभी आपको गरमाया लू और कहा चाहे बुरा काम करा लूँ आपसे अच्छा काम करा, सब ऐसे होता है. और दूसरा एक चीज़ है कि ये अंदर आपके करेक्टर में इन बिल्ट है मोटिवेशन. नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. और इतना मज़ा आता है कि आपने सोचा मैं ये करूं और आप जब करके तकमील होती है, उससे बड़ी लज्जत, उससे बड़ा मज़ा कोई नहीं है. तो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, ड्रीम गुड अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान को ठीक करने का मैंने सिर्फ एक रास्ता देखा है और वो ये है अपने आप को ठीक करने. अपने आप को ठीक करें, पाकिस्तान को भी ठीक करें. सर थैंक यू वेरी मच. आज के इस सेशन को हम क्लोज करते हैं एक इस खूबसूरत जुमले पे. सर आपकी मैंने प्रेजेंटेशन सुनी, आपने जो जो हैप्पीनेस के जो 9 लेवल्स बताए, जिसमें से लास्ट लेवल था फेथ, क्योंकि फेथ जो है वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करता है. उसके ऊपर एक जुमला है, फिर उसको मैं अभी आज के सेशन को हम नाज़रीन हम आज उसको क्लोज़ करते हैं. वो ये है कि फेथ के ऊपर एक खूबसूरत किसी शायर ने कहा कि अगर दस्तक दूँ दस्ते यकीन से,
अगर दस्तक दूँ दस्ते यकीन से धर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से, हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, हम वहम करते हैं तो करते हैं यकीन से। थैंक यू वेरी मच, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, सर के लिए क्लैपिंग सर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ऑनर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।